कैप्टन आतिफ, कौन होगा हमारा पहला पाकिस्तानी जावाज? मैं बुलाना चाहूंगा नबील शौकत अली को. आई एम श्योर आप लोग जानते हैं प्रेशर आप सब पे बहुत ज्यादा है. चार कंटेस्टेंट्स हैं और वहाँ एक चेयर है. आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं क्योंकि हर वक्त आपको फुल मार्क्स मिलता है और आप वहाँ नहीं पहुंचे अब तक, क्यों? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बेहतरी है. अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है. अभी एक सीट है तो अभी चांस है तो पूरी कोशिश करूंगा अपनी टीम को जिताने की, वो चेयर पाने की. एलिमिनेशन का कोई डर नहीं? कोई डर? देख लेते हैं एवी में नबील. अगर मैं ये शो नहीं जीत पाया तो सच्ची में बहुत दुख होगा. बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए. इतने लेवल्स क्रॉस करने के बाद अचानक से अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा झटका लगेगा. मैं इसके बारे में बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता कि क्या फीलिंग्स होंगी. मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी जब मैं नहीं जीत पाया तो. मेरी दुआएं तेरे साथ है, मैं तुझे कामयाबी देना. मुझे किसी भी हालत में उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरना है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है और इस पे मेरा अल्लाह साथ देगा और मैं ये जीत कर जाऊंगा इंशाल्लाह. नबील, पाकिस्तान के एक्सपेक्टेशंस, आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, कैप्टन के एक्सपेक्टेशंस, कोई प्रेशर मत लीजिए. नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस से परफॉर्मेंस करिए और फुल मार्क्स इंशाल्लाह कोशिश करूंगा. इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट नबील. थैंक यू. चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया सैया
chaiya 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 chaiya. फर्स्ट परफॉर्मेंस आज टीम पाकिस्तान के लिए. आपको लगता है कि लीड वैसे भी है टीम पाकिस्तान को आज 60 पॉइंट्स है, टीम इंडिया के पास 30 पॉइंट्स है, तो क्या आपको लगता है कि आपको 30 पॉइंट्स आज मिलेगा? कोशिश ज्यूरी पे छोड़ता हूँ. कैप्टन से जानते हैं परफॉर्मेंस के बारे में. कैप्टन हिमेश जी, मुझे तुम्हारी ऑलवेज आवाज बहुत पसंद है और आज मैं ये कहूंगा कि उसने अच्छा ही गाया, बुरा नहीं गाया. Not your best performance, but not bad. It's 100%. Not what you expected. No, it's wrong words to say कि not जो expect. कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जी, कुछ, but जी. उसने बुरा नहीं गाया. You can't say कि उसने बुरा गाया. Okay. उसने अच्छा ही गाया. नबील का ये best performance नहीं है. That is okay. Brilliantly sung. कोई तुमने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी पूरे गाने में. Thank you sir. Very good. Very well sung. जानते हैं रिस्पेक्टेड जूरी को क्या लगता है, जीरो या टेन? वन टू थ्री. रिस्पेक्टेड जूरी, आपने हम सबको डरा दिया है. कुछ देर और रहता तो हार्ट अटैक वाकई हो चला था. अल्लाह ना करे, हम तो बस ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहे थे. परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं आबिदा जी. इन्होंने बड़ा दिल से और रूह से इस गाने को गाया और बहुत ही ये मुश्किल, उसमें जो एक ही सुर पे जैसे ए आर रहमान साहब ने बनाया है, बहुत ही मुश्किल है. और उसके बाद फिर टीप पे जो इन्होंने लिया इतना सुर में और इतना अच्छा, मेरा ख्याल है कि उसमें रूह थी एक बोलती हुई जी. तो बहुत ही लुत्फ आया और अल्लाह इनको खुश रखे. नबील, एक तो ये AR रहमान साहब की कंपोजिशन है, बहुत ही मुश्किल हमेशा उनके गाने होते हैं, और ये सुखी जी का गाया हुआ है, सुखविंदर सिंह जी का, तो वो डबल मुश्किल है. और मुझे पता चला था कि आपकी आवाज़ ख़राब थी, गला ख़राब था, तो उसके बावजूद आपने इतना अच्छा गाया. मैनी कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू मैम.